फाइनली दोस्तों ये देख सकते हैं यूजर आईडी और एप्लीकेशन नंबर ये आ गया है इंटर का स्कॉलरशिप का, जिसमें इंटर के विद्यार्थियों को 25,000 और मैट्रिक के स्टूडेंट के वाले को 10,000 दिए जाते हैं। उसका यूजर आईडी अगर आ गया होगा तो फाइनल सबमिट कैसे करें, जो आपका वन टाइम एकदम पैसा कैसे आ जाए। देखिए दोस्तों हम लोग साइट ये ओपन कर लिए हैं मेगासॉफ्ट, ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। चलिए ये देख लीजिए, ये हमने साइट ओपन कर लिया, ये देख सकते हैं इंटर का है इधर साइट और इधर मैट्रिक का, ये दोनों साइट सेम टू सेम है, आप दोनों तरफ से कोई साइट में इशू नहीं है, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। देख लीजिए ये हमने ओपन कर लिया क्लिक करके 11th वाले, इसमें बहुत सारा है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रेडी फॉर पेमेंट, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेंडिंग सब का है, लेकिन इसमें हम फिलहाल अभी यूजर आईडी को फाइनल सबमिट कैसे करें। उसके बाद ऊपर देख सकते हो होम पेज स्टूडेंट ऑफिशियल रिपोर्ट्स डाउनलोड बहुत सारा है, लेकिन हम बता रहे हैं स्टेटस चेक करने का। देख लीजिए चेक स्टेटस व्यू स्टेटस वो करना नहीं है, गेट यूजर आईडी पासवर्ड जिसका नहीं है उसके लिए हम क्लिक करके यूजर आईडी पासवर्ड हम मंगवा सकते हैं। ठीक है चलिए हम नीचे जाएंगे लॉग इन फॉर स्टूडेंट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए क्लिक कर दिया हमने और जो मोबाइल पर आपके यूजर आईडी आया होगा वो हम दर्ज कर देंगे यहाँ पर और पासवर्ड भी दर्ज कर देंगे। ठीक है दोस्तों तब तक हम दर्ज करते हैं, बता देते हैं दोस्तों कोई भी अगर फॉर्म सबमिट करते हैं तो आप मिनिमम 7 दिन वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप किसी भी साइबर कैफ या कुछ से स्टेटस जिससे हम माध्यम से बताए थे उस स्टेटस पर जाके आप चेक कर सकते हैं क्या है फॉर्म का पोजीशन मेरा एक्सेप्ट हुआ रिजेक्ट हो रहा है क्या बता देगा, मिनिमम 7 दिन में आपका आ जाता है। देख लीजिए सब चीज़ सही है तो आपको सबसे नीचे आ जाएंगे फाइनलाइज एप्लीकेशन पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है फाइनलाइज एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे, देख सकते क्लिक कर दिया हमने, उसके बाद तीनों जो है से ब्लू टिक इस पर टिक लगा देंगे हम, उसका फॉर्म एप्लीकेशन और सबमिट कर देंगे। ठीक है और सब चीज़ सही डाटा अगर मेरा सही है तो यहाँ से हम एसएस कर देंगे, देख सकते हैं बहुत सारा है इसमें हम सब पे एसएस कर देंगे, यानी जो मेरा डाटा सही है उसके लिए है, ये देख सकते हैं आधार कार्ड एस, डेट ऑफ बर्थ एस, खुद का अनमेरिड है एस, उसके बाद मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और इस पर हम फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पर हम क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पर हम क्लिक कर देंगे, देख लीजिए मिस्टेक ये छूट गया था। उसके बाद ये ओटीपी आ जाएगा, बाय द वे अगर ओटीपी नहीं आता है तो यहां से आप रीसेंड करके दोबारा ओटीपी आप मंगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों देख वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, हमारे मोबाइल पर ओटीपी नहीं आया, जो भी स्टूडेंट है उसके हम दोबारा से ओटीपी के लिए रिसेंट के लिए ट्राई करेंगे हम। ठीक है दोस्तों अगर दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, जो कोई भी स्टूडेंट का गलत ना हो, फॉर्म गलत ना भराए जिससे ये फॉर्म पैसा के चुक हो जाए, कोई भी स्टूडेंट देख लेते हैं ओटीपी नहीं आया अभी तक तो रिसेंट ओटीपी पर हम फिर से क्लिक कर देंगे। रिसेंट ओटीपी हम कर दिए, देख लीजिए ओटीपी आ जाएगा मेरा, ओटीपी दर्ज कर दिया हमने। और यह वेरीफाई ओटीपी फॉर प्रोसेस क्लिक कर दिया हमने, देखिए फाइनल रिसीविंग मेरा आ जाएगा, इसको कहीं भी सेव कर ले या रख ले और ठीक लगभग 20 से 25 दिन बाद आपका पैसा आना चालू हो जाएगा, वहाँ से भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। चलिए चैनल अच्छा लगा तो लाइक करें, धन्यवाद।